हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है वो कौन सा स्टेट है जिसके दो कैपिटल्स हैं, या वो कौन सा स्टेट है जो सबसे वेल्दी है इंडिया में? नहीं पता? तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है। अब आपको ये तो पता चल गया, अब चलिए जल्दी से यहाँ के जुडिशरी एग्जाम के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। आज मैं फिर से आई हूँ यहाँ पे हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ, और आज जो मैं स्टेट टेकअप करने जा रही हूँ वो है महाराष्ट्र। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। जैसे हर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम के तीन स्टेजेस होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी है। पहला राउंड है प्रिलिमिनरी, फिर है मेंस, और फाइनल राउंड है इंटरव्यू। अब इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्रिलिमिनरी राउंड पे। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। पहले डिस्कस करते हैं पैटर्न। जो यहाँ का एग्जाम होगा प्री का, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक ही पेपर होगा। पेपर 2 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और जो मीडियम होगा पेपर का, वो होगा इंग्लिश। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस इस तरीके से है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तीनों प्रोसीजर लॉ से, जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से, जो कि यहाँ का लोकल लॉ है, लिमिटेशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पीनल कोड से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के भी आएंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे राउंड पे, जो कि है मेंस एग्जामिनेशन को। अगेन इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें मीडियम इंग्लिश और मराठी का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपना मेंस एग्जामिनेशन या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या मराठी में। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं, तो इट्स कंपैरेटिवली इजी। ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा हर पेपर लिखने के लिए, और हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। अब सिलेबस देखते हैं कैसे डिवाइड किया है इन्होंने। यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक पेपर सिविल लॉ का होगा और एक पेपर क्रिमिनल लॉ का होगा। अब यहाँ का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में मेंस एग्जाम का। तो पहले आते हैं सिविल लॉ पे, पेपर 1 पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सारे सिविल लॉ के सब्जेक्ट है, तो आप उसे अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइए इस पेपर को। दूसरा पेपर है क्रिमिनल लॉ का, आइए उसे डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल लॉ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट से, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, SC ST एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आएगा। ये सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा लीगल करंट टॉपिक पे। वो टॉपिक आपको दिया रहेगा, उस पर आपको ऐसे लिखना है। अप्रोक्सीमेट वर्ड लिमिट इन्होंने 800 वर्ड्स की दी है, आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की ओर, जो कि फाइनल राउंड है, वो है इंटरव्यू का राउंड। महाराष्ट्र में जो इंटरव्यू होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके एकेडमिक नॉलेज को चेक करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेंगे, बिकॉज इट इज बेसिकली अ पर्सनैलिटी टेस्ट। साथ ही आपकी टैक्ट एंड एबिलिटी टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस इन द कोर्ट को भी टेस्ट करेंगे। मे बी आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे देंगे, या आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अपने को प्रिपेयर करिएगा अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ उस स्टेट के बारे में भी पढ़ के जाइएगा सारे करंट और स्टैटिक इवेंट्स को, दैट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। तो ये था मेरा पूरा वीडियो महाराष्ट्र जज एग्जाम के सिलेबस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इनमें से किसी भी मोड से।